अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग क्रिएटिविटी विद एच। और आज मैं आपको घर से कोई भी फजूल बेकार सा डिब्बा लेकर उससे टिश्यू बॉक्स बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने एक डिब्बा ले लिया है, एक अचार का डिब्बा, जिसके ढकने पर मैंने एक स्क्रू ड्राइवर से उसको गर्म करके उसमें वहाँ पे सुराख कर दिया। और अब साथ कोई भी आप कपड़ा ले लें, किसी भी किस्म का फैब्रिक ले लें, और उसको जो है वो डिब्बे को ऊपर रख कर उसका बॉटम राउंड शेप में काट लें कपड़े का। और जो कपड़ा है उसको जो है बॉक्स की लंबाई के मुताबिक रेक्टेंगुलर शेप में काट लें। और अब जो हमने डिब्बे के नीचे का हिस्सा काटा था राउंड शेप में, उसके साथ रेक्टेंगुलर शेप वाले कपड़े को अटैच कर देंगे। और जो रेक्टेंगुलर शेप वाला कपड़ा है उसको प्लेट्स डालेंगे साथ साथ, और साथ साथ अटैच करते जाएंगे राउंड शेप में। आप ये स्टिच भी कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं ग्लू गन से कर रही हूँ, तो आपको जैसे आसान लगता है वैसे कर सकते हैं। और जिस कपड़े के आप प्लेट्स डाल रहे थे वो अगर थोड़ा हो जाए तो उसके साथ दूसरा कपड़ा अटैच कर लें। और जो सर्कल वाला कपड़ा है उसके साथ सारे कपड़े के प्लेट्स डालने के बाद दोनों साइडों से बड़े कपड़े को जोड़ दें।
ऊपर डोरी पिरोने के लिए हम थोड़ा सा उसको फोल्ड करके कपड़े को जोड़ देंगे जिसपे हम डोरी पिरो सकें। ये जो डोरी है इसको मैंने आम जो वाइट डोरी लेके उसको ब्रेड की शक्ल में बना लिया, तो ये अंदर भी रोल है। और नीचे जो डिब्बे का बॉटम हमने बनाया है वो डिब्बे के साइज के मुताबिक बाद में आप कट कर सकते हैं। डिब्बे में रोल डाल दें टिश्यू का और वो जो होल हमने बनाया था उसमें से वो निकाल लें। जो डोरी के दोनों एंड्स हैं उस पर वही कपड़ा हम अटैच कर लेंगे थोड़ा सा। डोरी को गिरा लगा के हम टाई बना लेंगे और ये हमारा टिश्यू बॉक्स रेडी है। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन सी चीज़ देखना चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का कोई टाइम नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, एक सेकंड भी नहीं लगता। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दूसरों से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।